मैं अनुरोध करूंगी मिसेज चंचल सक्सेना मैम से कि वो बुके लेकर समारोह में मैं माना मैम से निवेदन करूंगी कि आप हमारी बात उठे लेकर उनका स्वागत करें। अंतरक्षा मैम से नाम निवेदन है कि बुके लेकर आप पति देव जी का स्वागत कीजिए। हमारे राज्य प्रिंसिपल श्री कुमार शर्मा जी से, चीफ डॉक्टर श्री संकेत गुप्ता जी से, श्री मंच पर आए और कपिल देव जी का स्वागत करें। स्वागत करें।
Mr. Sean Owen, Department of Mathematics, State Parani, or Public Relations Branch, Parani. Mr. Rani Owen, Mrs. Shivani Gupta, and Mrs. Jyoti Verma, please come to the stage and welcome Mr. Kapil Agarwal. Mr. Shoaib Malik, Mr. Arvind Gupta, Attorney Mathematics, Mr. Rani Gupta, from the Department of Commerce, and Mr. Su, Applicants Ami, or Maya Dutar, Swagat Kari. No, I'm not working with Mr. Vikesh Gupta, Aksimilan, Pyar Manchparan, or Malayat Gupta, Kapitaki Kastavatari. अगर आप सब लोगों को याद हो उस समय पहले कुछ और वाली तत्व आयुष्मान बोर्ड पर दंगा करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे काबिल मंत्रियों के देखरेख में हमारे प्रशासन ने उसको इस तरह दबा दिया गया, उस तरह दबाया कि हम लोगों को कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुजफ्फरनगर में ऐसा कुछ हुआ। तो इसके लिए मैं सर को साधुवाद प्रस्तुत करती हूँ और आप सभी से मेरा यह निवेदन कि जोरदार तालियों से इसके लिए उन्हें आप भी बधाई दें। और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन माननीय डायरेक्टर मैडम श्रीमती चंचल सेना जी से कि वे मंच पर आए और अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आज की सभा में पधारे हमारे माननीय राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारी संस्था के सचिव श्री आकाश कुमार जी, मेरे साथ सहकर्मी और फोर्थ क्लास एंड स्पेशली सब लोग यहाँ अभिनंदन के पात्र हैं। आप सब जानते हैं कि आज हम किस वजह से यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारा देश एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ चुनाव किसी राजनीति के होते हुए भी राजनीति नहीं रह जाते, बल्कि हम सबके आपसी त्योहार की तरह बन जाते हैं। जगह जगह जाना, मिलना, हमारे माननीय मंत्री हमारे बीच बहुत बार आए, हमेशा जब भी हमें जरूरत हुई, या यहाँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि बच्चों के पिता होने के नाते जब उन्हें हमारी जरूरत हुई तब दोनों तरह से हम लोग मिलते रहे, लेकिन आज उनका यहाँ एक विशेष कारण से आना हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और हम उनका दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं अगर बहुत से शब्दों में आपका परिचय कराऊं तो शायद उचित नहीं होगा, मैं खुद यही कह रही, लेकिन मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई दो पंक्तियां हैं कि शहर में गए घर थे, घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे भी थे, मगर जब ढूंढा तो कोई आदमी ना मिला। तो ऐसी दुनिया में जब सारी चीज़ें हमारे अपने स्तर से बहुत ऊंची होती हैं, लेकिन जब हम इंसानियत को ढूंढने जाते हैं तो हम खाली हाथ खड़े रह जाते हैं। उन नामों को देखते हैं, नेम प्लेट्स पढ़ते हैं, डेजिग्नेशन देखते हैं, लेकिन जहाँ इंसानियत शब्द आता है वहाँ हमारे हाथ ज़्यादातर खाली ही रह जाते हैं। लेकिन उस इंसानियत को ढूंढने के लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि क्या साधन होना चाहिए। जब भी कहीं आदमी ढूंढना पड़े तो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा।
कि जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ सके। ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ सके, जो आपके गुस्से के पीछे का रोग समझ सके, जो आपके चुप रहने की वजह समझ सके, वही इंसान है और उसी की तलाश हम सबको करनी है। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों बातों को लेकर चलते हैं तो हमारे सामने एक ही चेहरा आता है, माननीय मंत्री कपिल देव जी का। ये तीनों बातें अगर आप लोग चुपचाप अपने मन में सोचेंगे तो सच में बहुत से चेहरों के बाद जो एक मुख्य चेहरा होगा वो आपका होगा। कहीं दुख हो, कहीं दर्द हो, कहीं खुशी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारे भाई कपिल देव जी ना पहुँच पाते हैं। राजनीति तो शायद बहुत बाद में उन्होंने रही की होगी, बहुत बचपन से एक स्वयं सेवक के रूप में इस समाज की सेवा की। उसके साथ साथ मैंने तो बहुत पहले बहुत छोटे से थे तब से ही देखा और मिली मैं इसे, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाते हुए आज देश की बड़ी समस्याओं को सुलझाने का एक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। हम सब लोगों ने आपका चेयरमैनशिप का कार्यकाल भी देखा है, क्योंकि आज ये विकास कौशल विकास मंत्री हैं। हो सकता है हम लोगों का इस डिपार्टमेंट से इतना ज़्यादा वास्ता ना पड़ा हो और हम उनकी कार्यशैली को इस रूप में बहुत अधिक ना देख पाए हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें परखना है तो हमें उनके चेयरमैनशिप के कार्यकाल को देखना होगा कि किस तरह से हमारे शहर का विकास उनके समय में हुआ था। उन्हीं सब बातों को देखते हुए आज एक मौका मिला है कि हम लोग अपनी भावनाओं के साथ साथ इस बात को समझ पाए कि इस देश के विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए, जो छोटी छोटी संस्थाओं के विकास के लिए हमें अपने कौन से प्रतिनिधि चुनने हैं और उनको आगे खींचना है। और हम तो जिस समाज में हैं, शायद हमारी निगाहों पर और समाज के लोगों की निगाहें रहती हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग और एक अध्यापक वर्ग बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है। पूरा समाज ये सोचता है कि अध्यापक वर्ग बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेता है जो सबके हित में हो। तो एक बार हमें फिर वो समय मिला है जब हमें अपनी सोच से ये देखना है, समझना है, परखना है और उस आदमी को ढूंढना है जो तीन कारण मैंने आपको दिए, उन सब तीनों कारणों पर खरा उतरे, वही हमारे वोट डालने हैं, वही हमारा प्रतिनिधि होना, प्रतिनिधित्व होना है। तो इस प्रतिनिधित्व के लिए मैं एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और इसके साथ साथ विश्वास दिलाती हूँ कि हम बहुत जल्दी एक बार आपकी विजय के पश्चात फिर पुनः आपका स्वागत करेंगे। वो भी हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपको फिर एक बार विजय बनाकर आपका स्वागत करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी द एसी पब्लिक की प्रिंसिपल मिस नीलम महाना को, वे यहाँ आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। एसडी वर्ग एसडी परिवार के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी ऑनरेबल श्री आकाश कुमार जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री कपिल देव, माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे माननीय डायरेक्टर मैडम चंचल सक्सेना जी, मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्य और सभा में उपस्थित सारे शिक्षाविदों को मेरा हार्दिक नमन अभिनंदन वंदन। श्री कपिल देव अग्रवाल जी किसी परिकार से किसी परिचय के मोहताज में चिराग नींद नहीं तलाशे, समाज के सभी वर्गों में ये अत्यंत लोकप्रिय है। अपनी व्यवहार की कविता, अपने मधुर वक्तव्य के कारण
ये समाज के सभी वर्गों में बहुत लोकप्रिय है। वस्तुतः गीताजी शहीद हुए जाने वाले हस्ती। मेरा आपसे पहला परिचय 2018 में हुआ, जब हमारा नया नया स्कूल खुला था और हमारे यहाँ रुबेला मीजल्स का वैक्सीनेशन कैंप लगा था। तब आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए थे और उस दिन ही उनके सरल स्वभाव और मनमोहक मुस्कान मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, जब उन्होंने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ या वो मुझे नहीं जानते। तो सर, आप लोगों ने घुल मिल जाना, अगर किसी को सीखना है तो श्री कपिल देव अग्रवाल जी से सीखो। 2019 में जब हमारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी श्री कपिल देव जी हमारे मुख्य अतिथि थे और उन्होंने अच्छों के स्टाफ मेंबर्स की इतनी हौसला अफजाई करी, इतना मोटिवेट किया बच्चों को कि हम सभी में एक दुगनी ऊर्जा का संचार हो गया। आज माननीय श्री कपिल देव जी हमारे बीच में हैं और हम सब जानते हैं कि वह मुजफ्फरनगर सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो मैं एसटी और द एसटी परिवार की ओर से उनको उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये आशा करती हूँ कि आप मुजफ्फरनगर की जनता के लिए और देश की सेवा के लिए हम देश की हमेशा लंबे समय तक दीर्घकाल तक सेवा करते रहेंगे। पुनः एक बार आपसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी हम लोगों ने देखा कि COVID-19 टीकाकरण कैंप, इसमें हमारा जो इंडिया है, इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर है और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पर है। और जहाँ पर भी कहीं कैंप होते थे तो हमारे मंत्री महोदय का प्रयास होता था कि वे उस कैंप में उपस्थित रहें और इसके लिए मैं समझती हूँ कि हम सबको उन्हें साधुवाद प्रेषित करते हैं हम सब। और आप सबसे निवेदन की आपकी तालियों की गूंज जानकर तक जाने चाहिए, हम लोग जानकर उत्तर में तालियाँ जानकर तक पहुँचे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ प्रिंसिपल एसी पब्लिक स्कूल मिसेस अनिता राय, वे यहाँ आए और अपने उपचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। माननीय कपिल देव जी, आकाश सर, डायरेक्टर मैम और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि गण, मैं आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आज कपिल देव जी आए हैं जो इनको सब लोग जानते हैं, मैं शायद सबसे कम जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कर आपको कोई भी परिचय की जरूरत नहीं है। सर खाली एक यहाँ पे नॉट बीइंग जस्ट अ पर्सनालिटी, लेकिन उन्होंने अपने काम से और अपने रिलेशन से उन्होंने मुजफ्फरनगर की प्रगति के लिए काम किया है। सर बचपन से ही देश की सेवा में लगे हैं और जैसे मुझे पता चला कि छोटी छोटी जहाँ पर भी दिक्कतें आई हैं सर हमेशा अवेलेबल रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इनसे बढ़कर और कौन हो सकता है कि जो आम आदमी की परेशानी को समझता है, जो इस प्रदेश की प्रगति के लिए काम करना चाहता है। तो मुझे लगता है सर कि मेरी तरफ से इस मंच से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि 10 फरवरी को जो हमारा वोटिंग अधिकार है उसको हम सब इस्तेमाल करें और एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि हमारा जो प्रगतिशील हो, जो हमारी समस्याओं को समझते हैं और जो हमारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं।
तो आप सबसे अनुरोध है सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे को विश्वास है कि आप जरूर विजयी होंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना कीमती वोट कपिल जी को देकर और इस प्रदेश की और पूरे देश की डेवलपमेंट में और पूरे देश की प्रगति में अपना योगदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। यहाँ पर एक चीज़ की ओर मैं आप लोगों का सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जब COVID-19 टीकाकरण कैंप में हम लोग जाते थे, मैं अपने बच्चों के साथ गई हूँ, अपने फादर इन लॉ के साथ गई हूँ और अपने कैंप वैक्सीनेशन के लिए भी गई हूँ। हम सब ने ये देखा कि कहीं पर भी वैक्सीनेशन के टाइम पर किसी भी बंदे से ये नहीं पूछा जाता था कि आपका घर कौन सा है, जाति कौन सी है या आप कहाँ से आए हैं। ये सब कुछ ना पूछते हुए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वैक्सीनेशन किया जाता था। तो जो एक BJP का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं समझती हूँ कि उस नारे को सिर्फ एक नीति के तरह या कथन की तरह BJP नहीं प्रस्तुत करता है, वो BJP के चरित्र में शामिल है। तो मैं इसके लिए BJP को, पूरी पार्टी को ही बधाई देना चाहूँगी। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय सेक्रेटरी महोदय श्रीमान आकाश कुमार जी को, वे यहाँ आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सबको नमस्कार। माननीय बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, चंचल मैम, निगम मैम, अनिता मैम और आप सब, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, मेरा अपनी फैमिली। आज प्रदेश 5 साल बाद फिर से एक वही है कि पॉलिटिकल एक स्थिति आ गई कि हम पे फिर से इलेक्शन हुआ है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ जाना है, क्या चाहते हैं। हम डेवलपमेंट के साथ जाएंगे या और किसी मुद्दे के साथ जाएंगे। हम एज ए टीचर, आप सब टीचर्स क्या चाहते हैं अपनी स्टूडेंट से, कि वो आगे बढ़ चल के देश के डेवलपमेंट में पॉजिटिविटी के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने में कोई अपना कंधे से कंधा मिला के चले। कपिल भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं सालों से, मैं शायद जब पहली बार ये कपिल भाई चेयरमैन बने तो उसको पहले से मेरे दादाजी के पास इनका आना जा रहा था। कपिल भाई से हमारे परिवार का बहुत प्रेम रहा है और मेरे लिए तो कपिल भाई एक बड़े भाई की तरह है। जब भी कोई दिक्कत हुई, जब भी पिछले 6-7 साल हो गए 2015 से लेकर आज तक मैंने फोन किया, मैं कभी निराश होकर वापस नहीं आया। मेरा काम जितना कपिल भाई कर सकते थे उससे ज्यादा करा उन्होंने। तो एक बहुत बड़ा इस शहर में मेरे लिए एक सपोर्ट रहे हैं कपिल भाई। मेरा उन्हें सबसे निवेदन है, उन्हें क्या पहली बार सबसे निवेदन कि अपनी समझ से जो बेस्ट हो वो चुने और मेरे तरफ से द बेस्ट एक पे बैठा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। एक बेटी की माँ और एक महिला होने के नाते मैंने 2017 से पहले और 2017 के बाद जो शहर का वातावरण है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी फर्क महसूस किया है। और मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लेडीज स्टाफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये फर्क महसूस हुआ है। अगर आप लोग हाथ हो रहे हैं तो जोरदार तालियों के साथ समर्थन दीजिए इस बात का कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प दिखते हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयी मानवता हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ हमारे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान कपिल देव अग्रवाल जी को, वे यहाँ आए। सभी को मेरा बहुत सारा प्रणाम। यहाँ उपस्थित
आदरणीय सचिव, एक शानदार संस्थाओं के शानदार सचिव ऐसे वालेगा जी, और चंचल मैडम उनकी मैं क्या तारीफ करूँ, आप सबको जानती हैं पर हम भी उनके दिमाग में कितनी बार मैंने देखा, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं कि हमारे पाओ किसी बच्चे की उनको समस्या नहीं लगा रही, तो मैडम उसको उसका नाम, उसकी परसेंटेज, उसका रिजल्ट, उसी क्लास, ये सब उनको पहले से पता होता है। तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस बात को कि चंचल जी मेरी इतनी बड़ी संस्था को लगातार थामने क्रम में हुई और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो डायरेक्टर के रूप में हम सबके साथ हैं, तो बड़ी बात है। एस जी को उनकी जरूरत है, इसलिए चंचल मैडम हम सबके साथ। अनिता दत्ता जी हमारी प्रिंसिपल एस जी पब्लिक, इंद्र मेहता जी प्रिंसिपल एस जी दस जी पब्लिक, और रेखा जी हमारे जुड़ने की प्रसर, और साथ में प्रभुल जी अभी संचालन कर दिया सबके सामने, वैशाली जी, शिवयुक्ता, ज्योति जी, गीता भंसा और आप सब, हमारे सभी स्टाफ मथुर हम तो थोड़ा सबको थोड़ा दूर लग रही है, बाकी स्टाफ जाके बढ़िया बहुत दूर, मैंने कहा नहीं बैठा तो दूर है, अभी मेरी आवाज़ आते पहुँची कि नहीं, पीछे मेरी आवाज़ पहुँच रही है ये देवी हो उनके पीछे पहुँच रही हो क्या, बातें कर रही हो नजर सब रखनी पड़ती ना। चलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, अगर नहीं आप आगे खड़े हैं या एक टीचर्स खड़ी हो तो आप ही घंटे बोल सकते हो, तो बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं बात संग कर रहा था तो एडवोकेट है माधुरी, डी जी में है कुछ महिलाएं कम थी एडवोकेट ज़्यादा थे, कुछ भाई तो खड़ी होगी मुझे बोल आकर के दो तीन मिनट में क्या शानदार बोली, और कुछ थे मतलब एडवोकेट्स जो मेल थे वो भी कमजोर भाई से महीना थी तीन चार, तो बोली कि कभी जमाना हुआ करता था जब महिलाएं पूछ से पूछ के वोट करती थी, जमाना गया, अब महिलाएं अपनी मजबूती से अपने दम पर और अपने विश्वास के आधार पर, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र की 99% महिलाएं आपको वोट करेंगी, ऐसा उसने बहुत भावनाओं तरीके से अपना मतदान शुरू किया। ये बात मैंने चर्चा इसलिए की कि 2014 में अपने अगर हम 13-14 में जाएंगे निराशा का भाव था, देश कहाँ जाए, चाहो तब आतंकवाद, देश को टूटने का षडयंत्र, पर भ्रष्टाचार का परम सी भ्रष्टाचार की परम वास्तव, पूंजी घोटाला, पीजी स्ट्रक्चर घोटाला, कोयला घोटाला और आवास घोटाला, पता नहीं क्या क्या था, राफेल घोटाला, ऐसी तो निराशा के दौर में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक शानदार एक सूर्योदय होगा बढ़िया तरीके से, जो आपकी आकांक्षाएं थी आपकी अपेक्षाएं थी, अगर मैं शुरुआत करूँ तो लाल किले का पहला भाषण जो उनका था वो स्वच्छता अभियान के लिए था, और स्वच्छता अभियान में उन्होंने शौचालय किया, हम सब थोड़ा एलिट परिवार से मध्यम श्रेणी का मध्यम श्रेणी ऊपर के परिवार थे, हम सब बहरे बैठे कल्पना करिए जो गाँव के अंदर रही है या हमारे परिवार के लोग गाँव में रहे हों, गाँव में कितना मुश्किल था महिलाओं का एक शौच के लिए जाना जंगल में खेत में तालाब पर और ऐसे ही बिना पानी लिया है, तो पुरुष वहाँ से निकल जाए तो महिलाएं खड़ी जाए, उससे मुश्किल काम था बेटियों के जो गाँव के अंदर छोटे स्कूलों में सरकारी स्कूल में इंटर कॉलेज में आठवीं तक के जुड़े स्कूलों की बेटियाँ पढ़ती 12 साल की 16 साल की 14 साल की 10 साल वो कहाँ जाए, शौचालय होते नहीं थे, होता तो है वहीं सारे बच्चे लड़के भी वहाँ पर, लड़कियों के लिए कितना मुश्किल काम था, घर से आती और वापसी घर जाती 6 घंटे में 7 घंटे में तो फ्रेश होते, इस दर्द को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझ लिया, उनके मन से खुशी कितना मुश्किल हमने देखा इधर को, सबसे बड़ी समस्या देश की सब महिलाओं के लिए सब बेटियों के लिए सब माताओं के लिए
सोच के समझ सकते हैं। इनके दर्द को उनकी भावना को समझने को लड़कियों की इच्छा था। और सारे स्कूल के सरकारी इतनी शानदार व्यवस्था आपको मिलेंगे, मेरे जी बबू से तुलना तो नहीं करूँगा, पर जितने मॉन्टे स्कूल गाँव गाँव के में होते हैं उनसे बहुत अच्छे लगेंगे स्कूल हमारे सरकारी स्कूल। उनकी पेंटिंग, उनकी फिनिशिंग, उनकी प्लांटेशन, टीचर तो घर क्वालिफाइड है ही, तो बात नहीं है सर, कॉम्पिटिशन से आती और वहाँ का सारा व्यवस्था और पढ़ाई का लेवल। मोदी जब प्रधानमंत्री थे उससे पहले की बात हम करें, कैसी कितनी बड़ी समस्या थी, कौन बहन है या बेटी है या हमारे भाई लोग जिनका कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति गैस की लाइन में नहीं लगा हो। 10 दिन पहले सुबह अगर गैस खत्म हो गया और थोड़ा थोड़ा गैस लगा गैस खत्म ना हो गया, सांस की सांस नहीं सुन, और जब लाइन में लेने गए 6 घंटे 7 घंटे लाइन में, और लाइन में लगे तो नंबर आता है तो लाइन खत्म, गैस खत्म। और घर पे जब हमारे परिवार के लोग, हमारा भाई, हमारे पति, हमारा बेटा, वो परिवार को भी उसको अगर वापस सेंटर लिया आ गया तो उसकी हालत ऐसी थी एक युद्ध के मैदान में हार करके वापस ऐसा। प्रधानमंत्री ने उस व्यवस्था को चिट्ठी मंत्र होता कर 2.5 करोड़ करप्शन फर्जी थे, किसने बताया 2.5 करोड़, वे 2.5 करोड़ करप्शन ऑनलाइन करके नंबर 2 के सारे करप्शन खत्म, उनको खत्म किया तो सबको गैस मिली। कितने गरीब लोग थे, जितने गरीब वर्ग के लोग थे, सैनिक समाज में, पाल समाज में, हरिजन समाज में, बाल्मीकि समाज में, ये मुस्लिम ही, उन्हें सबको कैसे कनेक्शन दी, निःशुल्क कैसे कनेक्शन दिए, सबको घर में से ये व्यवस्था परिवर्तन हो गई। तो क्या सिद्धांत नहीं लगे केवल व्यवस्था को परिवर्तन ढंग का। अभी थोड़ा अभी हम आकाशी महावर थे जो हमारे यहाँ डिप्टी सिंह दिनेश जी आए थे, तो दिनेश जी के साथ राकेश बिंदल क्या होता है किससे था गेस्ट हाउस पे और काफी लोगों में 4-5 लोग आते, तो वहां के इंडस्ट्री में मुझे कि भैया एक बात चर्चा शुरू करें कहीं आपको बोलने का मौका मिले कि सरकार के प्रति विश्वास वो जनता में कायम हुआ। अगर अभी कहते तो हम सब इनका डिस्प्ले करते हैं, इनकम टैक्स पहले भी मैंने क्या कहा जाता था, ये इनकम टैक्स कहा जाता था, सरकार का कौन सा डेवलपमेंट का काम था जो आपको पहले 2014 से पहले होता था, इतने बड़े बड़े काम आपके हो गए, मुजफ्फरनगर से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फर, देहरादून, देहरादून से सहारनपुर, सहारनपुर मुजफ्फर, हरिद्वार, सब नहीं है किसी की माफी सब, पानी पर खटीवा मार 3300 करोड़ का, ये सब कैसे बने इतने कम समय में, मात्र 5 से लेकर 7 साल में ये सारे काम कैसे हो, तो कहाँ से महत्वपूर्ण बात हो कहाँ से, ये पहले क्यों नहीं होते। तो उन्होंने मुझसे कहा जो टैक्स पेयर है वो किसी भी टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स पे करते हैं, वही जो जी एस टी में बढ़ता हुआ है, या किसी रुपये में रेवेन्यू लेते हैं, आप आई खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, फ्रीज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तब टैक्स पे, जब टैक्स पे करते हैं पहली बार ही एहसास हो रहा है कि टैक्स के पैसे का 70% लोग भारतीय जनता पार्टी से था। बोलो कितनी सड़कें बन गई, कहाँ से पैसा आया, RRTS जो दिल्ली से चली, हिंदुस्तान की पहली RTS है जो दिल्ली से चली और 2 साल तक पहुँची, मैं आपको विश्वास चाहता हूँ इसको मुजफ्फर तक बहुत जल्दी लाने और मैं व्यक्ति लगातार मेरे लिए इसकी अगर सीमारी लखनऊ से जा चुकी, 90% पैसा दिल्ली तक करना होता, 10% पैसा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लगे पहुँचे थे वो काम 17,500 करोड़। अब कैलकुलेटर में लिख रहा कितने पैसे हो कहाँ से आए, मोदी ने कोई पेड़ तो नहीं लगा रहा, मशीन भी लगा सब टैक्स का, इतना बड़ा हाईवे दिल्ली से मुजफ्फरनगर का रास्ता 2 घंटे, आप एयरपोर्ट जाइए उसमें 5 दिन 2 घंटे में 6 घंटे पहुँचते थे, 1 घंटे का मार्जिन ले सकते मोदी नगर में, मुरादनगर में, कहीं आपको चाहूँगा ये सारा होगा ये खास होगा। और क्यों सुनिए, कोरोना आने के बाद जो वैक्सीनेशन में काम हुआ, ये वैक्सीनेशन एक वैक्सीन 250 रुपये की करती, देश के जो हमारी आबादी है 130 करोड़ की, तो डबल वैक्सीनेशन यानी मिला के 130 2 साल 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कैसे कितना पैसा बैठा कहाँ सा पैसा, इसका अलग स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस, गाड़ियाँ, ये सब
इसके अलावा डबल गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश 70 करोड़ लोगों को डबल, और देश के अंधे लोगों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट प्रति माह। कहा सर गेहूँ चावल तो पहले पहला होगा, गेहूँ चावल पहला पहला हो रहा था तो आपको समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर केवल योगी आदित्यनाथ के बाद 8.5 लाख राशन का निरस्त हो गया था। ये सारा खाद्यान्न अधिकारी गोटे वाले डीएसओ डीएम और तत्कालीन मंत्री सरकार उनको बेचकर पीने का, ये सारा खजाना को निकाल करके वो बीमा खत्म करके आपने देखा होगा सब मालूम होगा आपको कि पोस्ट मशीन से अब खाता होगा हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिटेगा यहाँ पे रहने वाला और रहने मजदूरी के लिए बिहार, तो बिहार भी अपना राशन ले सकता। ये व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था मोदी जी ने जो किया बड़ा था 8.5 लाख राशन निश्चित हुए सबको खाता लगा सब कहाँ सा कैसे हो, यानी हमने केवल भ्रष्टाचार को खत्म करके व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे तो कहते थे एक तो हम भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं 85 पैसे रास्ते में कमीशन के रूप में खत्म। ये कमीशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 85 पैसा था जो रास्ते में खत्म होने लगा इसको खत्म करने का मोदी जी ने योजना। आपसे मैंने आशीर्वाद दिया कौन है जिसने कभी ना कभी खून के आंसू ना रहे, इसलिए यह देश के नौजवान भरी भर पैदा के ना हो पर देश के नौजवानों के लिए सीमा पर खड़ा है हमारी रक्षा के लिए, वो किसी का बेटा हो, किसी किसी माँ का बेटा हो, किसी किसी बहन का भाई है, किसी किसी महिला का पति, वो हमारे हमारे सही जगह के रखते उनके लिए भारत माता की जो वंदे मातरम है। कश्मीर से आतंकवाद चलता था, पाकिस्तान से आतंकवाद चलता था, तो कितने नौजवान शहीद हुए और हम क्यों रोएगा था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी और समर्थन था बसपा का सपा समाजवादी पार्टी सरकार का समर्थन था समाजवादी पार्टी का और बसपा का समर्थन भारत का था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब जब आतंकवादी हमले करते थे तो सीधे नहीं करते हाँ जी हमको मार दिया हमारे आतंकवादी मार दिए आतंकवादी हमारे नौजवान मार दिए हमारी मदद तो केवल क्या होता था अमेरिका हमारे आंसू पहुंचता था और पीछे से पाकिस्तान की पीठ हथौड़ा था। मोदी जी ने कहा आतंकवादी समस्या हल करने के लिए 56 इंच का समय था अभी आपकी अफगानिस्तान जब पुलवामा हमला हुआ कितनी बड़ी घटना थी 40 नौजवानों को सोते हुए उनकी हत्याएं करके हमारी भाषा में उनको शहीद करके आतंकवादियों आंखों के सामने हमारे सब नौजवान बच्चे 4 साल के 6 साल के 10 साल के बच्चे झंडा हाथ में लेकर के भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय सबकी भावना सब करोड़ दंडम थे सब हो रहे थे सबकी आंखों में आंसू था सबके दिलों में धड़कन थी और सब देख रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे सरकार क्या करेगी हिंदुस्तान का। कल्पना करिए हमारे घर में भी झगड़ा हो गया हम लोग तो शब्द के लिए गंदे शब्द के लिए हम भी बदला लेंगे। आप ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों ने हमारे ब्रिगेडियर्स ने हमारी सेना ने पाकिस्तान में घर में घुस करके एक नहीं दो दो बार 400 आतंकवादियों को मार के गिराना क्योंकि आतंकवादियों को ध्वस्त करना बड़ा काम सबको स्वाभिमान वापस कितना बड़ा काम था कल्पना करिए। आप ये कल्पना करिए भगवान ना करे हमारे नौजवानों के फंस जाते हमारे हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट जो गए वो गिर जाते हैं टूट जाते हैं हमला हो जाता आमने सामने लड़ाई हो जाती 10-20, 100-200 लोग मरे हुए शहीद हो जाते तो देश को कितना काम होता। लोग प्रधानमंत्री बोलते कि देश का प्रधानमंत्री है जिसने आत्मा तो नौजवान तो पहले नहीं मरे वो तो शहीद हुई 200 लोग कितना बड़ा रिस्क प्रधानमंत्री लिया होगा कितना बड़ा रिस्क लिया होगा पर रिस्क लेने के कारण से ही नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री 2017 में आपने आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में हुए एहसान करें क्या नहीं हुआ कितनी गुंडे का माहौल था कितनी बदतमीजियां थी महिलाओं के लिए खासतौर पर बेटियों के लिए
इस एसडी पब्लिक में तीनों भाई संस्थाओं में बाहर से बहुत सारे बच्चे आते, हम देखते थे बेटियों को छोड़ने के लिए उनके माता पिता आते, क्या रिक्शा में क्यों आना पड़े, स्कूटी पे आना पड़े, क्यों कोई बेटी से बदतमीज ना हो जाए, क्या लगे सिर में बाहर खड़े, माहौल खराब हो रहा, लड़कियों पर हत्या कस रहे, कमेंट्स कर रहे, उनको छेड़ रहे, ये चुन्नी खींच दी कि स्कूल में साइड मार दी, ये स्कूलों में भी होता था, स्कूल के बाहर भी होता था, यही गांधी कॉलोनी में कितना बड़ा सेंटर हमारा ट्यूशन सेंटर सर था, आप मेरे कैटी में पढ़ाती हूँ, कितनी गुंडा लगती है वहाँ पर, गांधी कॉलोनी के लोगों ने पूरी कैंपस पूरी रैकेट पूरी अपनी टीम बना दी, ये जो आप गुंडा लगती करेगा उसको भगा दिया, थोड़ी थोड़ी बच्चे कभी कभी रोकती हैं, पर क्या हुआ बहुत खराब, चाहे बच्चे गड़बड़ वो भी हमारी है और बेटे गड़बड़ करें तो भी हमारे, आप बताइए बहुत ने करीब हुआ करें, जो बच्चे कभी और शैतान्य कहते थे माहौल खराब, नारी महिला बेटी लड़की यानी उसको किसी ना किसी खराब नजर देख रहा, उसकी आंखों उसकी भावना भी नहीं समझ, ये माहौल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद जो गुंडे का माहौल था इसको ध्वस्त करने का काम मुख्यमंत्री ने, किसी हिम्मत नहीं है महिलाओं को आगे बढ़कर देख सकते, आगे बढ़कर देखते लोग, बाप भी देखता है, भाई भी देखता है, पति भी देखता है, बेटा भी देखता है, उसकी आंखों में भावने आगे तो एक ही होती, आंखों के देखा तरीका उसकी भावना अलग, गुंडे की भावना अलग, शैतान की भावना अलग, बाप की भावना अलग, पति की भावना अलग, बेटे की भावना अलग, इन सब भावनाओं को बदल देगा और भारत की नारी की दबाव लगा कि तत्र नारी मुझे यानी असंतोर तत्र पूजे नारी जहाँ जहाँ नारी का वास होता है वहाँ वहाँ उनकी पूजा होती है, ठीक है ना, प्रभाव तो कुछ ना तो ठीक है, लेकिन जब मौका लगा तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ गई, दो महिलाएं दो छात्राएं कहीं पार्लिमेंट में जा रही तो चार घंटे इकट्ठा हुए हफ्तियाँ कैसे थी मुख्यमंत्री का नहीं यही थी, यही नहीं जितने बड़े बड़े माफिया थे आजम खा अकीम खा मुख्तार अंसारी बड़े बड़े लोग छेजे लोग पेश हुए विधानसभा के अंदर रखा अंसारी के उनकी नजर पड़ जाए इस बात पर ट्रस्ट दिया मुख्तार अंसारी कोई बात नहीं इतना उन्होंने लगाया 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी ध्वस्त करके उनके ऊपर सरकारी आवास बनाने का मुख्यमंत्री दिया धारा 370 है असल काम था क्या जब इशारी ने धारा 370 हटाने की घोषणा की लोकसभा के अंदर तो किसी को विश्वास नहीं हो दोनों 370 नहीं अरे ऐसे नहीं झूठ बोलो ये नहीं हो सकता किसी को भरोसा नहीं हुआ कि धारा 370 जैसा काला कानून जो भारत को तोड़ने के लिए था वो भी हट हट भगवान राम भगवान उनमें बढ़ गया बहुत सारे पहले जो थोड़ी बड़ी आयु हुई है जिन्होंने 81 से 84 देने के और 92-91 तक का संघर्ष देखा होगा अगर किसी को याद हो तो कितने उन्होंने शिला पूजन लाला पूजन हनुमान चालीसा सुंदरकांड के पास और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का राम आएंगे मंदिर महीने में हमारी माताएं बहने 50-50 लोगों की रोटियाँ सुदेवर में जितने कॉलेज हैं शहर के अंदर चाहे एस सी हो चाहे आपका एस सी झांसी गांधी हो चाहे आपका बेटी पुत्री हो चाहे आर्ट एंड इंटर कॉलेज हो चाहे आपका गांधी कॉलेज एस सी हो सब ये सब खेलों से भर गए हजारों लोग संघर्ष था महीनों महीनों कसु लगा और संघर्ष हुआ तब जा करके आपके आशीर्वाद आप सब ने आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने ये राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय आप सबको कि आपके आंखों के सामने ये भगवान राम का भव्य उद्घाटन है हम कितनी कल्पना करते उससे बहुत बड़ा कारण इसलिए है कि हमारे मंदिर नहीं पटेल नगर का पटेल नगर गांधीनगर का मंडी का गांधीनगर नो ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर किसी भी रूप में सनातन संस्कृति या प्यार करने वाले का ये भावना का प्रति आपकी भावना है मैं बहुत सारे घंटे चर्चा कर सकता थोड़ा समेट के लंबा विषय हो जाएगा जो आपकी भावनाएं हैं अभी ऐसी बात नहीं तो अभी आकाश जी को मिलते उन्होंने बोला कि मेरा नहीं आप सब का स्कूल हम सब का स्कूल ये माना ऐसी बात नहीं है ये हमारी क्यों की जरूरत है तो स्कूल किसका है स्कूल किसका है कोई बोलो
हमारे आकांक्षी का नहीं, ये बाबू महेंद्र सिंह जी का नहीं है जिन्होंने एससी की नींव रखी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मुझको बहुत कई बार लोग कहते हैं कभी मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, बाबू महेंद्र सिंह जी के पास में जाया करता था तो सुबह का फोन आता 5 बजे, हाँ भाई चलो पेंटिंग होम पे, हाँ भाई उठ गया मैं उठ गया, ये फोन डायरेक्ट उठ गया कितने बजे आएगा, मैंने कहा जी मैं अपने से बहुत उम्र में तो मुझसे ये कैसे कोई घंटे मांगा भाई आठ घंटे तो फ्रेश हुए नहीं हुए तो हमें तैयारी की, अगर आधे घंटे एक मिनट ऊपर हुए करेंगे अजय आधे बहुत भाई गए, सारी सड़कों में जाना, सारे स्कूल में घूमना, सारे काम करना, सारी व्यवस्था देखना, चेक वालों को चेक देने देने वालों देना, शाम को 4 बजे कल बजे ऐसी दिल सकते हमेशा होगा आपका जगह हमारा स्कूल हम सब का जो अपना बने कि हस्ती पब्लिक हम ये नहीं कह सकते साहब हम पढ़ाते हैं बदले बेते लेते हम अलग हैं, ये नहीं हो सकता। जिस दिन आप ये सोचेंगे या सोचेंगी उस दिन ही आपका अपना नहीं हो सकता, आपका अपना तब है कि हस्ती पब्लिक की उन्नति करे, ये प्रगति करे और अच्छा हो, इसका रिजल्ट और बढ़िया हो, हमारे स्कूल का आउटपुट और बढ़िया हो, हमारे स्कूल की वीडियो अच्छी हो, यहाँ का कांटे से यहाँ की दीवार यहाँ की बिल्डिंग सब कुछ, क्यों ये हमारा अपना है और इसके कारण से हमारा भी मन मान सम्मान एसडी पब्लिक स्कूल में टीचर होना यहाँ पे लेक्चर होना ये भी अपने आप में इस शहर जनपद के अंदर गौरव का सम्मान है। ये क्या करना ये जो अपना मन है ये पहली बार शायद आपको लगा होगा कि मोदी जी को वोट दिया योगी जी को वोट दिया जो सरकार है ये भारतीय पार्टी सरकार है यानी मोदी जी या योगी जी या सरकार और इवन आपका भाई छोटा भाई बड़ा भाई आपका मित्र कपिल देव ये अपना पर ये आपका अपना देश है पहले भी था लेकिन सरकार नहीं दिखती सरकार अपनी है। मोदी जी ने एहसास करने का काम किया कि देश आपका देश को छोड़ने का राष्ट्रीय भावना को जगाने का पूरी दुनिया के अंदर बंदे बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में भारतीय जनता हो जितने सम्मेलन होते हैं साग सम्मेलन हो शिखर सम्मेलन हो सबके चर्चा कौन करते हैं राष्ट्रपति मोदी करते दुनिया जब जाते हैं तो सारे देश के लोग सारे देश कंट्री इवन मुस्लिम कंट्रीज में अरब कंट्री मुस्लिम महिला भी बुरका हटा कर गए मोदी के साथ सेल्फी लेती है ये सब कैसे होता मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को गौरव को बढ़ाया लगातार भारत लगातार उन्नति करे लगातार उन्नति करे हमारे राफे हमारे शास्त्र हमारे सत्य 2500 वर्ष हमारे सैनिकों देने का गुण लगातार होने के साथ साथ गरीबों को सबको मकान शौचालय बिजली 24 घंटे बिजली मुर्गे हुए तो 70 रुपये की कार्ड थी 6 घंटे मिल जाती थी 8 घंटे सोने का टाइम हो तो बिजली गायब पढ़ने का टाइम हो तो बिजली गायब और घर जाकर रोटी बनाने का टाइम हो अब यहाँ से और जून में यहाँ से भी मई जून भरपूर पसीना गर्मी क्या कब क्या बढ़िया चलो यानी हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हर प्रकार सम्मान हर प्रकार चीजों को दिया ये कौन लोग हैं जो दूसरे लोग हैं गठबंधन में जाकर वोट मांगने गया आपको तुलना हो सकती क्या क्या क्योंकि मैं बात को थोड़ा और छोटी करता हूँ कि क्या अखिलेश यादव जी की और हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जो तुलना हो सकती है सफाई में नाच होते थे और दीपावली उत्सव होता ये फर्क है आपके प्राव कमाल में एक बेटे के मान सम्मान के लिए दोनों नौजवानों ने प्राणों की आहुति दे दी यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं दोनों नौजवान जाकर भिड़ गए उनकी मौत हो गई बांधते उनको मारने के बाद तो सात ऐसी प्राधी थे जिनके कपड़े खून में लगे हुए थे उनको छोड़ने का काम और SSP DM मनजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह उनका रात और ट्रांसफर करने का ये समाजवादी पार्टी के पत्रकार लोगों ने यहाँ पर मंत्री थे सांसद थे सरकार की उन्होंने कहा 16 की मौत हुई 3 महीने 2 महीने के दौरान बहुत अच्छा है घंटों कर सकते हैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ से बैठ गए मुझको पता है इस बात का भरोसा पूरा है आप सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पर 2 दिन का समय सही लगभग आधे से कम आज का दिन 2 दिन 8 10 तारीख का हम क्या बचे कुछ लोगों ने कहा जाती बात मैं कपिल देव के रूप में लगातार आपके लिए पिछले 25 साल से 20 साल में 2020
पिछले महीना दूसरी बार है, तीसरी बार का चुनाव कोई विधायक खड़ा होकर यहाँ पे अपनी ओर कि कोई आया हो हम लोग की जाति पूछी हो धर्म पूछाओ कि भैया तुम इस धर्म क्यों तुम्हारा काम होगा इस धर्म क्यों तुम्हारा काम होगा सबका संग सबकी बात क्यों और सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति को दिल से किया प्रोफेशन नहीं समझा भावना रखी भावना के साथ मेरे वही गलती के सभी आप पहुंचाते हैं इसलिए पहुंचाता हूं देखिए मैं किसी आपको चौंक देता हूं कपिल भैया कपिल देवा विधायक जी करीब बहुत बहुत समाज की हरिजन समाज की और छोटे छोटे मकान 50-50 लड़के बनाए टूटे थे गरीब से तो प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री 6.5 मकान रिफंड कर दिया उसकी बात छोड़ दू अपनी गरीब पहुंचो जब उनके घर पहुंचता हूँ तो आप कृपा करिए कपिल देव कपिल देव मैं अपना को विधायक मंत्री नहीं समझता पर जब मैं वहां पहुंचता हूँ उनके 100-500 लोग वहां बैठे उनको लगता है अरे भाई इनका विधायक इनका मंत्री अरे इनकी बड़ी शान है इनका बात तो फोन करते भैया दौड़ पा जाते हम चुनाव में घूम रहे 80-80 साल की महिला है माता है बहुत बुरा भैया तू जीते तू जीते मोदी बनेगा मोदी चिंता जा बुरा आशीर्वाद क्या ये भावना है लोग पैसा देते चंदा लेकर वोट नहीं देते वो तब देते हैं जब दिल से दिल की बात आपको लगता है कि आपका दिल आपका मन आपका मस्तिष्क आपका स्नेह ये भारतीय पार्टी के साथ है इसलिए 2 दिन का समय लगा के और 10 तारीख भी आपकी की है 10 तारीख वोट डाले घर नहीं आना अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने क्षेत्र में भी कौन मोटिवेट कर कुछ भी कर समझा के बुझा के छोटी छोटी कुछ जाति को मेरा नहीं हम कभी जाती है बोल रहे हैं हमारी जाति का खड़ा अगर वैश्य हो तो क्या मैंने वैश्य के लिए काम किया मोदी जी क्या किया जाति के लिए काम करें स्कूल में क्या जाति के बच्चे पढ़ते संस्थाएं सबके लिए होती भारतीय जनता पार्टी भी संस्था सबकी सबके लिए काम सबका मान सम्मान मुस्लिम को भी सब कुछ किया है तो हिंदू को सुरक्षा काम इसे चाहूंगा निवेदन करके अपनी बात को विराम दे करके ये प्रभु सही आशीर्वाद और 3 दिन का समय जो हम कर सकते हैं अपने मोहल्ले में गली में पड़ोस में जिनको लगता है थोड़ा ढीला मोहल्ले 3 प्रकार के वोटर देना 100% बीजेपी का सेकेंड और ढूंढ लें तीसरा वो तो हमको दे गए जो ढूंढ वाले जो 40-60 है उनको 60 वोटर की और भारतीय जनता पार्टी का वो कमल का फूल कपिल देव जी मोदी हो गए उनको खुशी है साथ में मोदी हो गए क्या है आप बताइए ना उन्हें कौन सा परिवार रखे अब तो परिवारों की पार्टी थी समाजवादी पार्टी है कांग्रेस मोदी योग कोई नहीं है अगर मोदी जी का योग है तो प्रदेश ये देश है जिसकी लगातार उन्नति है मैं आप अपना हूं इसलिए हमेशा आपके साथ रहा हूं इसलिए 10 तारीख का अधिकार मेरा है मुझे आपका भरपूर स्नेह भरपूर आशीर्वाद भरपूर परिश्रम ये 3 दिन का समय लगा करके स्कूल में आइए ये नहीं कहूंगा लेकिन सुखी सजा क्या हम कर सकते हैं ऐसा कटा लिए अधिक से अधिक वोट कमल के फूल पर 10 तारीख को पड़े आपका स्नेह मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा एससी पब्लिक स्कूल के साथ संस्थाओं के साथ मैं दिल से हूँ हमेशा कल चंद्र मैडम का आकाश जी का अपन जी का और लोगों का और तो हमारे पास सर अपने शरीर का वो तो समझ नहीं पाते शरीर सर कई बार उनको फोन करते भैया जी एकदम मैंने कभी नहीं सोचा सही साहब भाई साहब उनकी मजबूरी हो सकती पर जब मुझको कोई काम मिलता है मैं समझ मेरा सवाल मैं भरी से बैठा मैं जानता हूँ आप विश्वास रखिए मैं हर समय हर वक्त आपके साथ हूँ आपकी भावना समान रखूंगा आशीर्वाद है जय हिंद और आकाश जी का चंद्र मेरे का और चुनाव के हुनर का आप सबका और हमारे कृषि का जो पहले बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी है अपने अपने क्षेत्रों में मोहल्ला वोट सब दिए गए राष्ट्रपति के एक वोट और जूता काटने में लगेगा आपका पूरा अधिकार ठीक है ना वहीं से आप लोग आपका आशीर्वाद हो रही चलिए धन्यवाद जय धन्यवाद महोदय आज हमारे कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए इसके लिए समस्त एस डी पब्लिक स्कूल एवं एस डी पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी
स्टाफ, प्रिंसिपल सभी लोगों की तरफ से सर का धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। और कार्यक्रम के अंत में मेरा सभी इंचार्जेस जय हिंद, वंदे मातरम।